यो थारा भाई फालतू भाई, थारा भाई फालतू भाई इतने क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा, इतने क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा कि किसी ने तुम ना सोची ना सोची भी ना होगी। होगी। तो यूपर सब गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फालतू पॉय। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने फोन में वो भी। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ बढ़ लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, उसको जाना है उसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने लिंक ओपन कर लिया, सिंपली मीडिया फायर के लिंक है, आपको उसको ओपन कर लेना और डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने जो लिंक है वो डाउनलोड पर लगा दिया, ये डाउनलोड भी बहुत जल्दी हो जाएगी जैसे कि हो चुकी है। तो गाइस आप सिंपली आपको अपना क्या करना है, जेड अचीवर खोला, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अब आपको यहाँ पर इसके लिंक पे जाना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना। तो गाइस इसको जहाँ मर्जी एक्सट्रैक्ट कर देना, आपकी मर्जी है। जैसे कि देख सकते हो मेरे को यहाँ पर जो मिल चुके इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। तो गाइस मैं इसको वहीं पर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना। तो करने के बाद आपको यहाँ पर दो फाइलें देखेगी, तो बग्स फिक्सेस की जो फाइल है उसको आपको कॉपी या सॉरी कट करना है। कट करने के बाद आपको रिसोर्सेज पैक में जाना है या फिर आपको बिहेवियर पैक में जाना है, इनको पेस्ट कर देना है सिंपली। तो सबसे पहले मैं मोजैंग की फाइल में जाता हूँ अपने गेम्स फोल्डर में, और यहाँ मोजैंग जो फोल्डर उसको ओपन करते हो, यहाँ पर मैं अपने बिहेवियर पैक में चले जाता हूँ। जैसे कि देख सकते हो बिहेवियर पैक में यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। आपको दूसरी फाइल के साथ भी ऐसे करना है, उसको कट कर लेना और उसको रिसोर्सेज पैक में पेस्ट कर देना। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस फाइल को भी कट कर लिया और यहाँ पर मैं जाके इसको मोजैंग के फोल्डर में जाके यहाँ पर रिसोर्सेज पैक में पेस्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो काफी सिंपल स्टेप है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सब फाइल्स को आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको अपनी जो माइनक्राफ्ट उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो मेरी यहाँ पर माइनक्राफ्ट आ चुकी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जो गेम है उसको मैंने 4x पे करा हुआ है अपनी वीडियो को, सॉरी गेम नहीं वीडियो को। तो यहाँ पर अपनी जो गेम है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ पर प्ले पे दबाना। आपको प्ले पे दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको क्रिएटिव न्यू पे जो जैसे दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप थोड़ा यहाँ पर नीचे जाना, जैसे कि देख सकते हो मेरा इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं इसको क्रिएटिव पे कर लेता हूँ, तो मैंने क्रिएटिव पे कर लिया। और यहाँ पर जो मैंने जो भी ऑन करने के लिए आप उसको ऑन कर देना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 3-4 सेटिंग होगी जिसको आपको ऑन कर लेना, जिससे आपकी गेम काफ़ी इजीली चल जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने एक्टिव कर दिया है, आपको ये भी एक्टिव 3-4 चीज़ आपको एक्टिव कर देनी ताकि आपकी गेम उससे चल सके इजीली। तो आपको अब रिसोर्सेज पैक में जाना है, जो पैक हमने आपको डाउनलोड करवाया है उसको एक्टिव कर देना है। क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर हमने डाउनलोड करवाया तो उसको आपको एक्टिवेट कर देना। सेम आपको बिहेवियर पैक में जाना, उसको एक्टिवेट कर देना और कंटिन्यू पे दबा देना। सिंपल स्टेप है और गाइस कुछ नहीं है, स्टेप बोलना था मैंने। और गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पर फिलहाल हमारा जो वर्ल्ड है वो फिलहाल बनना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी टाइम ले सकता है आपके फ़ोन में, 2-3 मिनट अप्रोक्स। तो जैसे कि देख सकते हो हाँ मैं आप कहीं स्पॉन हो चुके हैं, हमें नहीं पता कोई बायोम में स्पॉन हो चुके हैं। तो गाइस जैसे कि आप अपनी इन्वेंट्री खोलोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर के मामले। तो यहाँ पर मैं थोड़ी खुली स्पेस पर आ जाऊँगा और अब मैं यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री खोलता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले हम जा सकते हैं ओके। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, काफ़ी सारे इसमें चीज़ें आपको मिलने वाली जैसे कि देख सकते हो जो कि मिलती है कोर्स माइनक्राफ्ट में। जैसे कि देख सकते हो मैं और नीचे पहुंचता हूँ, डायरेक्टली मैं नीचे पहुंच गया हूँ। और गाइस यहाँ पर आपको एंड सिटी बोट ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ करके देखते हैं। मेरे को रोका नहीं जा रहा और वेट नहीं किया जा रहा मेरे से। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ऑलमोस्ट ले ली और यहाँ पर मैं जल्दी इसको स्पॉन कर देता हूँ। ये मैंने स्पॉन करी, ये स्पॉन क्यों नहीं हुई? ओके 1 मिनट वेट वापस से अभी ओके ये स्पॉन नहीं हो रही, मैं वापस से ट्राई करता हूँ वन मोर। ये कहाँ पर ये स्पॉन हो चुकी है, मुझे लग रहा है कहीं और स्पॉन हो चुका है आई थिंक हाँ अब ये स्पॉन हो चुकी है आई थिंक। और अब मैं देखता हूँ कहाँ पर स्पॉन हुई, ये कहीं भी रैंडमली स्पॉन हो जाती है। और एक सेकंड ओके गाइस ये स्पॉन हो चुकी है, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कहाँ पर हुई है, मेरे ठीक सर के पीछे ऊपर स्पॉन हो रखी। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें शिप मिल गया और हम शिप में नीचे जाके देख सकते हैं। फिलहाल अपने पास तो तोड़ने के लिए कुछ नहीं, फिलहाल जो क्रिएटिव है इसको तो हम वहाँ से तोड़ देंगे। और फिलहाल हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर हमें 2 चेस्ट और 1 लाइटर हमारे सामने ठीक मिल चुका हमको, और यहाँ पर बोट्स और कुछ गोल्ड। तो जैसे कि देख सकते हो वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताना, और साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट आप भी दिखाओ, थोड़ा सपोर्ट हम भी दिखाएंगे तो थोड़ा और ज्वाला बढ़ेगी हम में से। तो गाइस अगर आपको बाकी स्ट्रक्चर भी बनाते हो बाकी भी बना सकते हो। और जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर टेम्पल स्पॉन करा दिया, और ये यहाँ पर कहाँ पर टेम्पल स्पॉन हुआ है, क्यों भाई यहीं पर क्यों मिली तेरे को जगह? तो जैसे कि देख सकते हो तो बस यही था गाइस, और वीडियो को लंबी नहीं करूँगा ताकि आपको मजा आ सके, अपनी गेम को जल्दी जल्दी जाके डाउनलोड कर सको। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।